भगवान श्री कृष्ण और राम जी, जैसा कि कल भी निवेदन किया था, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। और तो छोड़ो, श्री विंदु जी महाराज कहते हैं कि मैं कौन, कहा दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की, भोग मोहन चखा दूध माखन छका, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने और कहते हैं कि एक तरफ द्वार ड्योढ़ी के दरबान हूँ, एक तरफ द्वार ड्योढ़ी के दरबान हूँ, तो एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूँ, जर लुटाता हुआ घर रखाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो कोई बोला, अरे भाई ये दो दो जगह इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक जगह रहो, एक भरोसो एक बल एक एक विश्वास, एक जगह रहो। सो विंदु जी बोले कि इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर की रहे ना उधर की रहे, जो दोनों तरफ से गए। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पर विंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और श्री सूरदास जी तो कहते हैं, हमारे राम कृष्ण आधार, हमारे राम कृष्ण आधार, हमारे राम कृष्ण आधार, हमारे राम सूरदास दू, सूरदास दू नाव चढ़ियो है, सूरदास दू नाव चढ़ियो है, को उतारे पार, हमारे राम कृष्ण, हमारे राम कृष्ण, राम कृष्ण आ राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण, गामा पानी मावा, गामा पानी मावा, गामा पानी मावा, गामा पासा नीसा पानी मावा, गामा पानी सा पानी सा मारे सा नीसा नीबा मावा, गामा पानी नी 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 नी, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। सूरदास दो नाव चढ़, ये कहें कि एक सुंदरता। श्री काग भुषुंड जी एक कौवे के रूप में हैं, लेकिन भगवान के बड़े भक्त हैं पिछले जन्म से ही, उनको ये कौवे का देह बड़ा प्यारा है। वे क्या करते हैं, देखो ये बात हमको सिखाती है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, हमारी जो परिस्थिति है वो हमारी मनस्थिति के साथ खिलवाड़ करे वो बात सही नहीं है। परिस्थिति और मनस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, मेंटल सिचुएशन, तो कभी भी परिस्थिति के हिसाब से मनस्थिति नहीं बदलना चाहिए, हर समय खुश रहें। क्योंकि दुख में जब
बुरा आए तो गम हो और अच्छी अच्छा आए तो खुशी हो, तो ये तितिक्षा जो है यह सही नहीं है। हम जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि साधक कौन, दुखेष्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रवाह वितराग भय क्रोधास्थित धीर मुनि मुच्यत, जो कि दुख में और सुख में समान है। ध्यान से सुने, ये तीन भक्त हैं, तीन भक्त नरसी जी, ये नामदेव जी, नरसी जी और एकनाथ जी, एकनाथ, तुकाराम, नरसी, ये तीन। नरसी जी की पत्नी मर गई, भगवान की ऐसी दया कि उनकी पत्नी चली गई, तो वो बड़े प्रसन्न, अरे प्रभु क्या कृपा की है, बीमार पड़ी रहती थी, हमें बार बार देखने आना पड़ता था और अब चली गई तो भजन में मन लगेगा। नरसी जी की पत्नी मर गई सो वे प्रसन्न, और एकनाथ जी की पत्नी ऐसी कि वो पूरी अनुकूल, बिल्कुल जो पतिदेव कहे, बिल्कुल पतिदेव को स्वामी की तरह कंसीडर करे, तो जो वे कहें। एकनाथ जी कहते भगवान की बड़ी कृपा, इतनी सुंदर पत्नी दी है और सब कार्य का कहना मानती है, सब भगवान के कार्य अच्छे से हो रहे हैं। और एक संत श्री तुकाराम जी, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हैं, तो तुकाराम जी की जो पत्नी, वो पूरी प्रतिकूल, पति की बिल्कुल बात ना माने, ऐसी, उसका नाम ही था रखुबाई, रघुबाई, वो तो रूखी बाई थी। एक बार की बात, तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे और कुछ लोगों को बिठा ला वहीं पर, राम कृष्ण हरि या विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन संकीर्तन सत्संग करें, तब तक उसकी पत्नी आई तुकाराम जी की, घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। तुकाराम जी क्या, अरे तुम सब और इनके साथ बैठ जाते हो, ये तो हैं ही निठल्ले, तुम और कुछ काम नहीं, जाओ यहाँ से, कुछ काम धंधा करो, जाओ इनको भी फ्री करो, मैं पानी भर कर आ रही हूँ, तब तक खाली हो जाना। सब घबरा गए, नरसी जी ने कहा बैठो, कुछ नहीं, बैठो। वो पानी भर के आई और देखा ये अभी भी बैठे हैं, तो जो मटका लाई थी पानी से भरा, वही आई उनकी खोपड़ी पे पटका। सब लोग घबरा गए, अरे महाराज, तुकाराम जी ने कहा अरे घबराते क्यों हो, मुहावरा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी पत्नी ऐसी कि गरजती भी है बरसती भी है, पहले आई गरज गई, अब आई बरस गई, गरजती भी है बरसती भी है। एक दिन पत्नी ने कुछ गन्ने दिए, जाओ बाजार में बेचाओ। तुकाराम जी को मार्ग में लड्डू गोपाल, छोटे छोटे बच्चे मिल गए, सबको बांट दिया, ले लड्डू गोपाल भगवान, ले जाओ ले जाओ। एक बचा था गन्ना, वही लेकर घर आए। अब पत्नी ने देखा सो बोली कि ये क्या, बड़ी प्रसन्न की सब गन्ने बिक गए, बिके नहीं, वो रास्ते में बाल गोपाल मिल गए थे, उनको बांट दिए, बांट दिए। पत्नी ने जो देखा, एक ही गन्ना बचा था, गन्ना लिया और तुकाराम की पीठ पर जोर से दे मारा, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम अभी भी मुस्कुरा रहे, बोले कि आहा, भगवान की बड़ी कृपा, क्या समझदार पत्नी दी है, हम तुम दो गन्ना एक, तुमने दो टुकड़े कर दिया, अब एक तुम चूसो एक हम चूसते हैं, रहो आनंद में। तो ये है यही कि हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें, ये आसान नहीं है। तुकाराम जैसे संत ही इस काम को कर पाते हैं और यही संयमी साथ